हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग फॉर सी एफ एवल वन टूडे वी आर गोइंग टू टेक अप सोर्सेज ऑफ कैपिटल ये कॉर्पोरेट इशूज या कॉर्पोरेट फाइनेंस जो भी आप कह लें उसमें से है बहुत छोटी सी रीडिंग है ज़्यादातर थियोरटिकल ही है इज नो प्रैक्टिकल ह्यो एंड फॉर दैट बींग रीजन मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर रीडिंग को कवर करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने वाला है एज यूजल आपको पता है हमारी टेंडेंसी हम कम समय में ज़्यादा कवरेज करने पे बिलीव करते हैं सो यस विद दैट इंटेंट वी आर गोइंग टू ब्रेकअप दिस क्लास इंटू न्यूमरस पार्ट्स एज ऑफ नाउ आई थिंक कम से कम चार पार्ट्स हमें इसमें देने ही होंगे सो विल थिंक अबाउट दट एंड येस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट हम वेल फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं लर्निंग आउटकम ए विच वी विल कवर पार्शियली ठीक है A, ना पूरा नहीं करेंगे वाई बिकॉज लर्निंग आउटकम में अपने आप हाँ में बहुत बड़ा लर्निंग आउटकम है तो इसको हम दो पार्ट्स में कम से कम स्प्लिट करना चाहेंगे एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ लर्निंग आउटकम एज उसका जो हैडिंग है या जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है तो ये बेसिकली है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग मॉडल्स एंड कंसिडरेशन इन देयर सेलेक्शन सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे समझना है कि हम किस तरह अपने बिज़नेस को फाइनेंस करवा सकते हैं ऑब्वियसली नाम ही क्या है सोर्सेज ऑफ कैपिटल सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है जहाँ से हम अपने बिजनेस में कैपिटल ला सकते हैं सो यस दिस इज वन थिंग तो यहाँ पे हम लोग को जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल के बारे में बात करनी है जो फाइनेंसिंग के बारे में बात करनी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होने वाली है इंटरनल मतलब वो रिसोर्सेज जो आप अपने आप अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हो आप अपने आप बिज़नेस को अंदर से फाइनेंस कर सकते हो यू डोंट नीड एक्सटर्नल हेल्प नो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है बहुत सिंपल है बहुत ही ज्यादा सिंपल है एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ फंड्स की तो आप अपने डेटर को फोन करके उनसे पैसे रियलाइज करवा सकते हो दैट इज ऑप्शन करेक्ट सो यू कैन रियलाइज कैश फ्रॉम योर डेटर्स फ्रॉम योर रिसीवर रिसीवेबल्स तो ऐसे में ये एक मैं कह सकता हूं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है इसके अलावा आप बिजनेस में वक्त वक्त पे कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करोगे ही सो दैट ऑपरेटिंग कैश न ऑल्सो बी अगेन री इन्वेस्टेड इन टू द सेम बिजनेस सो ये अपने आप में एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है फॉर यू आई अंडरस्टैंड ज्यादातर ये शॉर्ट टर्म ही होता है लॉन्ग टर्म नहीं होता बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वुड भी शॉक टू नो बट इंडिया की भी अगर हम टॉप कॉर्पोरेट्स की बात करें जो कि बहुत तगड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है, वो सभी लोग इंटरनल फाइनेंसिंग में थोड़ा ज्यादा मानते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को कम यूज करते हैं सो येस इट्स अ स्मॉल सेक्शन बट दैट्स दैट डज नॉट मीन दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट तो पहला जो यहाँ पे आप तरीका पढ़ने वाले हो वह है इंटरनल फाइनेंसिंग जहां पर एक बड़ा बिजनेस अपने आप से खुद को फाइनेंस करवा लेगा इट विल नॉट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प विल टॉक अबाउट दैट से जैसे यू कैन अप्रोच अर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कैन हेल्प यू विध फाइनेंसिंग ऐसे में इफ यू आर गोइंग फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियटिज तो वो एक अलग से केस पड़ना है अपने इसके अलावा देर इज वन मोर केस वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग थ्रू कैपिटल मार्केट्स यस कैपिटल मार्केट्स का मतलब हो गया वो मार्केट जहां पे आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो सो आइडियाज लाइक आईपीओ आइडियाज लाइक मे बी डिबेंचर्स एंड ऑल दो थिंग्स तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जहां पे हम एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंज कर रहे हैं थ्रू कैपिटल मार्केट्स तो यस ये भी एक तरह का ऑप्शन है जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो पार्ट में एंड देन वी आर गोइंग टू ऑल्सो कवर अबाउट लीजिंग ऑब्लिगेशंस यानी किस तरह हम लीज अग्रीमेंट के थ्रू भी अपने लिए थोड़े बहुत मैं कह सकता हूं फाइनेंसिंग इनडायरेक्ट वे में एक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं

डिवीजन में है तो हम इंटरनल फाइनेंसिंग कैसे ला सकते हैं सो देर आर एक्चुअली मेनी वेज जिसमें से तीन तरीके जो हैं वो ये हैं कि नंबर वन यू कैन जनरेट मोर आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोस इफ यू कैन अगर आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड वक्त वक्त पे आप अपने लिए आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोस जनरेट कर सकते हैं यू कैन डेफिनेटली री इन्वेस्ट द सेम इन योर बिजनेस सो दैट इज टिपिकली एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर योर बिजनेस पहली बात दूसरी बात यह है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल एफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं नाउ हाउ डू यू नो कि आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी कम है कि ज्यादा है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल के कई सारे रेशियोज होते हैं कई सारे हम लोग के यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे हम यह डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में आई थिंक लास्ट सेकेंड लर्निंग आउटकम में बात होगी तो उधर हम बात करेंगे किस तरह हम अपने वर्किंग कैपिटल को और एफिशिएंट बना सकते हैं बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल योर अगर आप अपने रिसिवेबल से पैसे जल्दी निकलवा पा रहे हो और इफ यू आर पेइंग योर क्रेडिटर्स इन अ डिलेड मैनर या फिर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हो ये सारी चीजें आपके लिए वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट को एफिशियंट बना देंगी यानी इन नटशेल आपको अपने करंट एसेट्स को जल्दी रियलाइज करना है और करंट लाइबिलिटी को जितना हो सके टानना है जितना हो सके डीले करना है If you can manage this well, तो आपकी working capital की management काफी हद तक sorted रहेगी और वो अपने आप में efficiency की बात कहता है यही बात यहाँ पे आपके uh, notes में भी लिखा हुआ है Notes में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है that if you are extending your payables period, अगर payables को late से पैसा दे रहे हो या फिर receivables से जल्दी लेके आ पा रहे हो पैसा इसके अलावा if you are shortening its asset conversion cycle, यानी कि इस working capital cycle को अगर आप छोटा कर पाओ वट इज दिस विल टॉक अबाउट दैट लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बेसिकली होता है टाइम पीरियड यू रिक्वायर टू प्लॉ बैक योर इन्वेस्टेड कैपिटल इन योर बिजनेस विच इज वर्किंग कैपिटल तो आपने पहले दिन अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो रॉ मटेरियल जाकर बनेगा डब्ल्यू WIP, WIP बनेगा फिनिश गुड फिनिश गुड बिकेगा तो फिर वो डेटर के पास चला जाएगा वो पैसा ब्लॉक हो गया और फिर डेटर आपको वापस पे करेगा सो so, इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपने जो अपने बिजनेस में पैसे लगाए थे वर्किंग कैपिटल के दैट विल रिक्वायर टाइम टू कम बैक टू यू तो ये जो पूरा साइकिल है इस साइकिल को मिनिमाइज करना ही अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इफ वी आर एबल टू डू दैट तो उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने लिए एक इंटरनल फाइनेंसिंग अरेंज कर सकते हैं सो दैट इज आइडिया नंबर टू वेर यू कैन अरेंज इंटरनल फाइनेंस फ्रॉम थर्ड वन विच इज कन्वर्टिंग योर लिक्विड एसेट्स सो लिक्विड एसेट्स आर बेसिकली दो एसेट्स विच कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इंटू कैश जिनको आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स uh, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट बियर नहीं कर करने पड़ेंगे रेडिली अवेलेबल है इसके लिए कैश तो अगर आप उसको भी कन्वर्ट कर पाओ तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक आपकी इंटरनल फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम को डील कर सकता है समझिए मेरी बात इफ योर बिजनेस इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ कैश एज ऑफ नाउ तो आप अपने लिए लिक्विड एसेट्स को फटाफट लिक्विडेट कर सकते हो और उससे कैश अरेंज कर सकते हो टू पे ऑफ द पेबल्स बट दैट यू कैनॉट डू विथ फिक्स द एसेट जरा इस बारे में सोचिए अगर मुझे पैसों की दरकार पड़ेगी अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर भी बताऊं तो आई विल सेल माई इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट ना तो अगर मान लो मेरे पास में कोई तीन महीने चार महीने की या सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे हैं तो वो भी मेरे लिए लिक्विड एसेट के बराबर है सो दैट इज वर्थवाइल इसके अलावा अगर मेरी कोई छोटी मोटी एफडी वगैरह है दैट आई कैन स्प्लिट अगर स्टॉक्स में पैसे हैं उससे मैं अपने कैश में फटाफट ला सकता हूँ सो दीज आर लिक्विड एसेट्स इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगर पैसे की दरकार पड़ेगी तो मैं जाऊँगा और सबसे पहले अपना घर बेचूंगा गाड़ी बेचूंगा या फिर ए बेचूंगा नहीं वो सब नहीं करूंगा मैं जस्ट गो आफ्टर माई लिक्विड एसेट्स और उनको लिक्विडेट कर दूंगा सो so, इस तरह से भी मेरे बिजनेस में अगर मेरे को इंटरनल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी आई कैन फुलफिल इट सो यस देर आर थ्री वेज जिसके ऊपर में हमने बात कर ली है किसी भी बिजनेस को इंटरनल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है नंबर वन दे कैन गेट मोर आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश लोज यानी कमाई ज़्यादा करो नंबर टू आप अपने वर्किंग कैपिटल को और एफिशिएंटली मैनेज करें यानी कि पेबल्स का पेमेंट डिले करें रिसीवेबल्स से जल्दी कलेक्ट करें बाकी सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह जो भी है उसको एफिशियटली मैनेज करें एंड नंबर थ्री इज गोइंग टू बिजनेस जिसमें हम अपने ट्राई करने वाले हैं कि अपने लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कर लें इन Cash. और ये लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ रहा है आ रहा है है, है, है। क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करना आसान है, को भी आसान है, आसान भी एंड देन तो काफी ज़्यादा ही सो इस तरह हम अपने लिक्विड एसेट्स in so सा काफी सारे इनसाइट्स इसमें भी मिल गए होंगे उट एक्सटर्नल फाइनेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्लियर कट दो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं नंबर वन थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज नंबर टू थ्रू कैपिटल मार्केट्स नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल मार्केट्स में आप सिर्फ तभी जा सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए वेन यू रिक्वायर मनी फॉर लॉन्ग टर्म करेक्ट कैपिटल मार्केट्स ऐसे मार्केट्स होते हैं जहां पे सिर्फ वैसी सिक्योरिटीज ही इशू हो सकती हैं जिनकी मेचोरिटी वन ईयर से बियॉन्ड हो अगर वन ईयर से कम है तो आपको मनी मार्केट में जाना पड़ता है सो फॉर ऑब्वियस रीजन अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है गो फॉर कैपिटल मार्केट्स और अगर आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है देन गो फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब आ जाएंगे जो कि आपके लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग का काम आसान कर सकते हैं कैसे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट नंबर वन ऑप्शन जो आपके पास में है वो है अनकमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट वेरी सिंपल नाम नाम से ही समझ में आ रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब तो बेसिकली ये हो गया कि ये एक तरह की लोन फैसिलिटी है सो इफ यू रिक्वायर अ बैंक बोरोइंग बैंक इज रेडी टू गिव यू अ लोन बट द कमिटमेंट इज नॉट गिवेन है इसका मतलब बैंक ने आपको बोल दिया अच्छा ठीक है हम दे देंगे बट दे कैन रिफ्यूज टू गिव यू अ लोन वेन द टाइम कम्स सो इट इज अनकमिटेड एंड ऑब्वियसली यहां पे कोई कमिटमेंट नहीं है तो कोई फीस वगैरह भी नहीं होगी अगर आपको लोन दे देगी बैंक तो फिर इट इज गोइंग टू फेच इंटरेस्ट फॉर द बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है बट आपको और कोई फीस नहीं देनी क्यों क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा नंबर वन हाउ वेल योर कंपनी इज डूइंग नंबर टू हाउ वेल द इकोनॉमी इज डूइंग रेगुलेटर्स का क्या प्रेशर है मेनी अदर थिंग्स तो ऐसे में ये आप समझ सकते हैं एक बेसिक अरेंजमेंट है जो हर किसी कंपनी का या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बैंक के साथ तो होता ही है जिटिंग योर बैंक रेगुलरली ऑब्वियसली एवरीबडी नोज यू एंड वो ऐसे ही एक आपको अनकमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट तो ऑफर कर ही सकते हैं ठीक है बट ये प्लीज ध्यान दीजिएगा नॉट बी पास वेन द टाइम कम्स आपको हो सकता है लोन ना मिले जब सही समय आए सो so इस चीज के बारे में एकदम ध्यान रखिए यहाँ पे क्लियरली ये बातें मैंशन है दैट द बैंक कैन ऑफर एन अनकम कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बट रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज द ओनर सॉरी हाँ ऑनर रिफ्यूज टू ऑनर एनी रिक्वेस्ट फॉर द यूज ऑफ द लाइन इसका मतलब दे है इतनी भी पक्की कमिटमेंट नहीं है बस इनको बोला हाँ दे देंगे सो इट्स नॉट अ कमिटमेंट इस बात का ध्यान रखिएगा ऑब्वियसली अगर आपको इसके जगह कमिटमेंट चाहिए अगर आपको एक रेगुलर लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए जैसे हम कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके बैंक ने एक पक्की कमिटमेंट आपको दी हुई है एंड बैंक विल डेफिनेटली बी गिविंग यू अर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो कि थ्री सिक्सटी फाइव डेज से कम होगा मैं इस बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप फाइनेंशियल इंटरमीडियट के पास जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस यही है कि आप शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ही जा रहे हैं सो यू विल बी गोइंग फॉर योर बैंक जहां पर आपको एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलेगा ही मिलेगा इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम द बैंक ये थ्री डेज या फिर लेसर टाइम के लिए होगा इसके लिए आपको फुट नोट्स में मैंशन करना चाहिए अपने एनुअल रिपोर्ट में और दिस इज वेरी वेरी क्रूशल वाई बिकॉज कमिटेड लाइन के लिए द कंपनी इज एक्चुअली पेइंग अ फीस सो ये कंपनी के लिए एक सोर्स ऑफ कैपिटल है एंड दैट टू इट्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ कैपिटल तो इसकी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने फुट नोट्स में दोगे तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे कि हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम फाइनेंस ऑप्टेन कर सकते हैं सो इफ यू हैव अ रेडी लाइन इफ यू हैव अ रिलायबल सोर्स डू मैंशन इट इन द फुट नोट्स और ये इंफॉर्मेशन एज अ शेयर होल्डर आपको मिल भी जाएगी इन द फुट नोट्स इसके अलावा ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं इसका मतलब है इन सब लोन्स के लिए आपको कोई भी चीज को कोलैटरल या फिर प्लेज करने की दरकार नहीं पड़ेगी हिंदी में इसे कहते हैं गिरवी रखना ठीक है सो यू डोंट नीड एनीथिंग टू सर्व एज कोलैटरल हियर ना आपको कोई इन्वेंट्री देनी है ना कोई रिसीवेबल की गारंटी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये एक अनसिक्योर्ड लोन है कोई एसेट भी प्लेज नहीं करना अच्छी बात है एंड आप प्रीपे भी पे कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी मतलब कुछ ज्यादा ही ऑप्शन मिल गए आपको आप अगर लोन को प्रीपे करना चाहते हैं यू कैन पे दैट बिना कोई पेनल्टी के सो so यहां पे आपके ऑबलींपेंसेशन में देर इंटरेस्ट चार्ज आपको साथ में कमिटमेंट फी भी देनी पड़ेगी सो इफ द बैंक इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट तो उस कमिटमेंट की फी बनती है एंड इसके अलावा आप जितना भी लोन विद्रॉ कर लेंगे या जितना भी लोन फैसिलिटी लेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है सो दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट्स रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट्स बेसिकली ये है कि ये आपको एक के बाद एक एक के बाद एक लोन पे लोन मिलता रहता है पुराना पुराना लोन खत्म दूसरा लोन चालू पुराना लोन खत्म दूसरा लोन चालू सो so, ऐसे में ये मल्टीपल यूज तक चल सकता है ये एसेंशियली शॉर्ट टर्म लोन होते हैं बट आपको पहला लोन जब मिलता है तो उसको चुकाने के लिए आप दूसरा लोन ले लो तो ये लोन खत्म वापस दूसरा लोन चालू फिर वो चालू तीसरा ऐसे करके पूरी आप सीक्वेंस बना सकते हो सो दिस कैन रन दिस कैन एक्चुअली रन फॉर मल्टीपल योर इसके अलावा यहाँ पे अमाउंट्स थोड़ी लार्जर होती हैं ठीक है ऑन एन एवरेज द अमाउंट्स आर लार्जर एंड द बोअर्स ड्रॉ डाउन एंड पे बैक अमाउंट्स पीरियोडिकली यानी कि यहां पे भी इनको फैसिलिटी मिली हुई है कि आप विदड्रॉ कर सकते हैं नाउ इट इज अप टू देम कि वो अपनी लिमिट से कितना परसेंट ड्रॉ डाउन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल लोन पास डेयर इज हंड्रेड करोर्स कंपनी मे विश टू टेक अमाउंट एज वेल तो अगर मेरे को हंड्रेड करोड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फिफ्टी करोड्स की होगी आई कैन टेक दैट एंड आई विल पे इट पीरियोटिकली सो जब मेरे पास पैसा आएगा आई विल पे दैट एंड आई स्टिल हैव दैट फैसिलिटी विथ मी सो आई विल पे अ लोन टेक अनदर लोन टेक अनदर लोन एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर सो ये एक तरह से सिक्लिकल वे में वर्क करेगा सो दीज आर नोन एज रिवॉल्विंग क्रेडिट अग्रीमेंट्स वेरी इजी नेक्स्ट यू हैव सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन्स नाम से ही समझ में आ रहे हैं सॉर्ट ऑफ एसेट नहीं तो उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा सो so, बेसिकली ये एक तरह के मैं कह सकता हूँ एक तरह की आपको गारंटी देनी पड़ रही है और ये को लेटरल के तौर पर यू आर गोइंग टू सर्व सम सॉर्ट ऑफ एसेड ह्योर करेक्ट सो अ को लेटरल इज रिक्वायर्ड ह्योर नाउ वॉट कैन बी दिस कोल एट्रल एनीथिंग योर कंपनी इज फिक्स एसेड्स येस इट कैन सर्व एज कोलैट्रल हाई क्वालिटी रिजल दैट टू हाई क्वालिटी पुअर क्वालिटी नहीं

आप अनसिक्योर्ड लोन लेकर के ही आगे बढ़ो बिकॉज इफ यू टेक अ सिक्योर्ड लोन आगे जाकर के आपको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज सिक्योर्ड लोन टेक्निकली क्रिएट्स अ ओवर योर एसेट्स एंड दैट बेसिकली क्रिएट द प्रोटेक्शन फॉर द फर्स्ट लेंडर जिसने आपको पहले लोन दिया उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है एंड उसके बाद वाले जो लोन देते हैं या जितने भी लेंडर्स उसके बाद आते हैं उनको प्रोटेक्शन कम मिलती है एंड फॉर दैट रीजन सिक्योर्ड लोन्स शुड नॉट बी प्रेफर्ड इन फर्स्ट गो फर्स्ट ट्राई यही करनी चाहिए किसी भी कंपनी को कि हम अनसिक्योर्ड लोन ले लें और अगर अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिल रहा है तो ही सिक्योर्ड लोन की तरफ जाए इट्स कॉमन सेंस वेरी सिंपल नेक्स्ट यू फैक्टरिंग अग्रीमेंट फैक्टरिंग अग्रीमेंट और फैक्टरिंग अरेंजमेंट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट जहां पे आप अपने रिसीवेबल को बेच दे रहे हो नॉट नॉट लिटरली बट हियर यू आर सेलिंग ऑफ द राइट टू रिसीव सम पेमेंट फ्रॉम योर रिसीवेबल टू फैक्टरिंग कंपनी ये फैक्टरिंग कंपनी जो होगी ये बेसिकली आपको आपके रिसेबल्स के बदले पैसे पहले ही दे देगी बट दे विल गिव यू एट अ डिस्काउंट सो सपोजली यू हैव अ एडलीबल ऑफ मे बी टेन करोड़ रुपीज तो हो सकता है कि फैक्टरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको नाइन करोड़ ही दे उसके लिए एंड दे विल इन टर्न कलेक्ट द पेमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड कोई बैड डेट वगैरह भी हुआ ना तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो फैक्टरिंग वाले को ही समझना होगा आप बैड डेट से भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इफ यू गो फॉर फैक्टरिंग फैक्टरिंग बट ऑब्वियसली में बहुत तरह की वैरायटी है अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें रिकॉर्ड्स नॉन रिकॉर्ड्स काफी कुछ मिलेगा जिसके ऊपर में डिसाइड होगा कि किस तरह का फैक्टरिंग अग्रीमेंट होता है बट यस yes, अगर हम नटशल में बात करें तो फैक्टरिंग अग्रीमेंट एक इस तरह का अग्रीमेंट है जहां पर आप अपने रिसिवेबल्स Uh, किसी और को बेच दे रहे हो किसी फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेच दे रहे हो एंड दे आर गिविंग यू मनी इन एडवांस सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वेट कि आपका रिसेबल आपको कब पैसा देगा आपको पैसा पहले ही एडवांस में मिल जाएगा अगेन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे जहां से आप uh, बहुत तेजी से अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस क्रिएट कर सकते हो यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर रिसेबल्स टू पे यू बैक ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है दैट द कंपनी इज एक्चुअली सेलिंग इट्स अकाउंट रिसेबल टू द लेंडर वो इज ऑल्सो नोन एज अ फैक्टर टिपिकली एट अ अबियल डिस्काउंट इन फैक्टरिंग अग्रेंज ट्रांसफर so कर सकते हो सो इफ इनकेस कोई बैड डेट वगैरह हो जाए so यू डोंट है फैक्टरिंग अरेन्जमेंट अलग अलग वेरायटी के होते हैं मैं ये नहीं कह रहा हर बार ऐसा होगा बट येसके वेराइटीज है कभी डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर एंड फाइनली वी है हम वेब बेस्ड लेंडर्स कहते हैं या फिर नॉन बैंक लेंडर्स कहते हैं ये एक बड़ी इनोवेशन है रिसेंट टाइम्स की बट आज भी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां इस तरह के लोन्स नहीं ले रही है सो इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बट यस इट्स अ रिसेंट इनोवेशन जहां पर आप एक ऑनलाइन लेंडर से ही इंटरनेट uh, के थ्रू ही अपना लोन निकलवा लोगे सो दैट इज अनदर ऑप्शन जो आपको मिल सकता है इस तरह के लोन्स अभी फिलाल कम है और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन रूट के लिए जाती नहीं है थ्रू कैपिटल मार्केट्स ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपिटल मार्केट से देखो काफी इजी चीजें हैं अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो है कमर्शियल पेपर ना कमर्शियल पेपर का जो भी

जो कि आप कैपिटल मार्केट्स में इशू करके हालांकि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है लेकिन फिर भी आप इसको कैपिटल मार्केट्स में इशू करके फंडिंग ले सकते हैं लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई है नंबर वन आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए विच प्रूव कि आपकी क्रेडिट वर्धिनेस बहुत अच्छी है नंबर टू ये अनसिक्योर्ड भी होता है तो यहां पे जो भी इस तरह के कमर्शियल पेपर में सब्सक्राइब करता है उसको कोई गारंटी भी नहीं चाहिए उसको कोई सिक्योरिटी uh, भी नहीं चाहिए तो फॉर ऑब्वियस रीजन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं उनको रखा जाता है ओनली फॉर गुड हाउसेज ओनली फॉर गुड कंपनीज सो कमर्शियल पेपर इज अवेलेबल एज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट बट ओनली फॉर लार्ज एंड वेल रेटेड कंपनीज सो ओनली इफ योर कंपनी इज लार्ज इनफ एंड हैज अ गुड क्रेडिट वर्देनेस और गुड क्रेडिट रेटिंग तभी जाकर के आपको ये ऑप्शन मिलेगा मैं फिर से बता दूं ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट uh, होता है एंड अनसिक्योर्ड भी होता है ये दो बड़े फीचर्स है इसके बारे में ध्यान रखने के लिए क्लियर एंड वाई दिस इज शॉर्ट टर्म उसके पीछे कानून है उसके पीछे एक्चुअल में एक नियम है वो नियम ये है कि 270 सेवेंटी डेज के ऊपर जाने के बाद में ना इनको रजिस्टर वगैरह कुछ कराना पड़ता है एससी में एस सी इज द रेगुलेटर ऑफ यूएसए तो वो रजिस्ट्रेशन स्किप करने के लिए मोस्ट कंपनीज कम अप विद कमर्शियल पेपर्स विच आर ऑफ लेसर टू सेवेंटी डेज तो उस वजह से uh, बिना रजिस्ट्रेशन के ये सब काम हो सकता है एंड फॉर दैट रीजन ज्यादातर 270 डेज से कम के ही रखते हैं ठीक है ना कमर्शियल पेपर्स आर टिपिकली हैविंग अ मेचोरिटी डेज और लेस सो अब से प्लीज ये बातें ध्यान रखिएगा कमर्शियल पेपर के बारे में नंबर लेसमशियल इट इज अवेलेबल ओनली फॉर गुड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गुड क्रेडिट वर्थन नंबर टू ये अनसिक्योर्ड भी है नंबर थ्री यहां पे आपको शॉर्ट टर्म बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है जो कि 270 सेवेंटी डेज से कम की वैलिडिटी रखता है क्लियर वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं वट अबाउट लॉन्ग टर्म डेट वेल लॉन्ग टर्म डेट नाम से ही समझ में आ रहा है इट इज अ लोन फॉर अटलीस्ट वन ईयर तो कम से कम एक साल के लिए ये लोन है एंड ऑब्वियसली ये लोन काफी इंपॉर्टेंट है अब इस लोन की अगर हम बात करें तो दो तरह के आपको इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी ही पड़ेगी नंबर वन इज नोट्स नंबर टू इज बॉन्ड्स नोट्स वो लॉन्ग टर्म डेट है जो वन ईयर से टेन ईयर की वैलिडिटी के साथ या यान ईयर वन ईयर से टेन ईयर की मेच्योरिटी के साथ आता है सो नोट्स हैव अ मेच्योरिटी ऑफ वन टू टेन ईयर एंड अगर आपको टेन ईयर्स के भी बियॉन्ड की मेच्योरिटी चाहिए देन गो फॉर बॉन्ड्स तो बॉन्ड्स बेसिकली होते हैं बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे दस साल से ज्यादा की मेचोरिटी होती है सो यस दे हैव एटलीस्ट टेन ईयर्स ऑफ मेचोरिटी ऑब्वियसली बॉन्ड ज्यादा रिस्की होते हैं नोट्स के मुकाबले बिकॉज यहां पे कमिटमेंट बहुत ज्यादा लंबी है सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड बॉन्ड क्योंकि 10 साल की मेचोरिटी रखते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क दस साल में वो कंपनी कहां से कहां पहुंचेगी नो बडी नोस वो कंपनी में कितना क्या सिचुएशन रहेगा दस साल बाद नो बडी नो सो इट्स एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और आपको भी पता है लॉन्ग टर्म लोन्स पे ज्यादा रिस्क होती है तो ज्यादा रिस्क होती है तो फिर वहां पर रिटर्न भी ज्यादा मिलने चाहिए सो फॉर दैट रीजन आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉन्ड्स में यील्ड काफी अच्छी होती है यानी रिटर्न काफी अच्छे होते हैं बट द सेम टाइम दर इज लॉट ऑफ रिस्क एज वेल ये बात यहाँ पे लिखी हुई है दैट बॉन्ड्स आर ठीक है फ्रॉम बोथ एन इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट रिस्क परस्पेक्टिव अब ये दोनों समझिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि करेंट सिचुएशन पे आपने, आपने एक बॉन्ड खरीद लिया जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है फोर परसेंट कूपन बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो थ्रू आउट द ग्लोब तो आप मान सकते हैं कि चलो ठीक है आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे फोर मिल रहा है विच इज गुड इनफ बट टेन ईयरस का टाइम बहुत बड़ा होता है करेक्ट हो सकता है तीन से चार साल बाद ही सिचुएशन वर्ल्ड वाइड काफी चेंज हो जाए एंड बॉन्ड्स 7 से 8% यील्ड देने लग जाए ठीक है so सो हो सकता है आफ्टर फ्यू इयर्स 7 टू 8% का वापस इंटरेस्ट रेट का जमाना आ जाए नाउ देयर इज वेयर यू विल बी मिसिंग आउट ऑन द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट व्हाई बिकॉज़ यू हैव बीन कमिटेड ना आपको कमिटमेंट मिल गई है कि आपको 10 साल सिर्फ 4 परसेंट ही कूपन मिलेगा सो ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट्स एक, एक बढ़ जाती है तो फिर आपको इंटरेस्ट लॉस होगा 100 परसेंट होगा और यही बात है जिसके लिए बॉन्ड्स रिस्की हैं नंबर क्रेडिट रिस्क तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं दस साल में कंपनी कहां से कहां पहुंचेगी नो बडी सिचुएशन क्या रहेगी नो बडी नोस कंपनी रहेगी भी कि नहीं रहेगी नोबडी नोस सो ऐसे में क्रेडिट रिस्क का भी एक वांदा तो है ठीक है ना वांदा बोलते हैं क्या मराठी में जो भी ठीक so है सो दैट्स हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क तो आपको यह बात समझना है कि यहां पे इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेस्ट दोनों रहती है बॉन्ड इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट यह नोट से ज्यादा रिस्की भी है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा रिस्की है ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है बस इतना सा समझ लो एनी एनी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट डेट विच हैज मेचोरिटी ऑफ लेस देन वन ईयर इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर समझो आप जीरो टू वन ईयर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वन ईयर टू टेन ईयर नोट्स टेन यो ऑबली मेचोरिटी सबसे ज्यादा है सो दट विल बी मोर रिस्की इन कंपेरिजन टू बोथ नोट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्लियर है वेरी नाइस nice. इसके अलावा हेयर इज अ डिस्टिंक्शन बिट्वीन टू थिंग्स एक अ पब्लिक डेट और एक अ प्राइवेट डेट नाउ वट इज दिस बहुत सिंपल जैसा नाम से समझ में आ रहा है पब्लिक डेट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रेडेड इन दी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं बोलना चाहिए एक्सचेंज सो ऐसे में इफ यू वॉन्ट टू सेल ऑफ योर ओनरशिप टू एनी बडी यू कैन सेल दैट दर इज एन ओपन मार्केट जहां पर आप आराम से लेवा बेची कर सकते हो बट प्राइवेट डेट में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यही चीज यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक डेट इज नेगोशिएबल एंड अप्रूव्ड फॉर सेल इन ओपन मार्केट्स तो आप चाहो तो ओपन मार्केट में इसको आराम से बेच करके अपना ओनरशिप सेल कर सकते हो वहीं पे प्राइवेट डेट आर आल्सो नेगोशिएबल हाउ एवर दे डू नॉट हैव अ मार्केट अब नेगोशिएबल है इसका मतलब क्या है नेगोशिएबल है इसका मतलब ट्रांसफरेबल तो है फ यू वॉन्ट टू सेल इट टू समबडडी यू कैन सेल इट बट वो एक प्राइवेट अग्रीमेंट के थ्रू होगा आपको यहां पर कोई भी ओपन मार्केट नहीं मिलता ओपन मार्केट की खास बात ये होती है दैट यू डो नॉट हैचुअली सर्च फॉर अ बायर आप सिर्फ लगा दो कि मेरे को यह सेल करना है समबडडी विल इंस्टेंटली पिकेट अप सो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर अ बायर वहीं पे प्राइवेट डेट में क्या होगा ना देर इज नो रेडी मार्केट एंड सिंस देर इज नो मार्केट यू विल हैव टू एक्चुअली सर्च फॉर अ बायर एंड देन यू हैव टू क्रैक अ प्राइवेट डील इन बिटवीन यू द्वारा नेगोशिएशन वगैरह करके एंड देन द अग्रीमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड और दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड तो यस ये नेगोशिएबल तो है लेकिन इसके लिए कोई रेडी मार्केट नहीं मिलेगा सो द ओनली क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक डेट एंड प्राइवेट डेट इज ऑब्वियसली द प्रेजेंस ऑफ मार्केट अगर मार्केट है तो पब्लिक मार्केट नहीं है तो प्राइवेट कॉमन इक्विटी एवरीबडी नोज अबाउट कॉमन इक्विटी इंडिया में हम इसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं कॉमन इक्विटी बेसिकली वो शेयर होल्डर्स हो गए जो कंपनी के एक्चुअल में, में पैसा लगाया सो कभी कोई में वेंचर ने पैसा लगाया वो भी इक्विटी है और कभी आईपीओ आया और हम सब ने पैसा लगाया तो हम भी इक्विटी शेयर होल्डर है सो so ऐसे में दोनों के पास कॉमन शेयर होंगे बट दोनों में हल्का सा डिफरेंस होगा विल टॉक अबाउट दैट सबसे पहले कॉमन इक्विटी क्या क्या नाम है कॉमन इक्विटी कॉमन शेयर्स ये दोनों ही नाम चलते हैं एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ कंपनी दिस रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी सो ऐसे में अगर आपने कभी भी कोई शेयर खरीद लिया है तो यू हैव बिकम द द ओनर ऑफ कंपनी आप कंपनी के ओनर बन चुके हो क्लियर नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल बिकॉज कंपनी के ऊपर कभी भी इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि हमको ये कैपिटल वापस लौटाना ही पड़ेगा करेक्ट हां आई अंडरस्टैंड देर आर बाई बैक्स विच हैपन लेकिन इसकी कोई मैं ये कहता हूं कोई कमिटमेंट नहीं होती कि बाई बैक करना ही पड़ेगा इट इज अप टू द अपनी बाई बैक करना है कि नहीं करना बट आमतौर पर कंपनी ने जब भी कैपिटल रेस किया तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल हो जाता है ना इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना ओनरशिप स्टेक बेच नहीं सकते मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा आपके पास जो शेयर है शेयर एक बार क्रिएट हो गया तो हो गया अगर आपको अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना है यू कैन सेल योर शेयर सो ऑब्वियसली दैट कैन हैपन बट कंपनी के लिए ये कैपिटल इंटैक्ट रहेगा आप अपना शेयर किसी और को बेचो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो दैट बिकम्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी नंबर पॉइंट नंबर टू हेअर द शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द कंपनी नाउ मेनी ऑफ यू विल एक्चुअली मिस आउट ऑन दिस एलिमेंट जो यहां पर डिस्कस्ड है देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड आपको तभी मिलेगा जब कंपनी ने बांटा अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा ही नहीं आपको मिलेगा भी नहीं डिविडेंट कमिटेड आपको कोई भी डिविडेंट कमिट नहीं किया गया इफ द कंपनी ओपिनियन की डिविडेंट मिलना चाहिए तो आपको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा सो ओनली इफ द कंपनी टू द रेजिडल वैल्यू ऑफ द कंपनी ना वॉट इज दिस इसका मतलब ये हो गया कि कल को कंपनी लिक्विडेट वगैरह हो गई यानी बर्बाद हो गई तो कंपनी के एक एक करके सारे एसिड बेचे जाएंगे जब एसेट बेचे जाएंगे तो सबसे पहले जो पैसा है वो मिलेगा डेट प्रोवाइडर्स को जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है तो बैंक वगैरह जो भी है वो यहां आ जाएंगे फिर आएंगे प्रेफर्ड इक्विटी वाले यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जिन्होंने कॉमन शेयर्स नहीं लिए प्रेफर्ड शेयर्स लिए उनको पहले सेटल किया जाएगा लास्ट में जो भी बचा वो शेयर होल्डर के लिए नाउ दिस कैन बी अ बून और अ बेन कैसे हो सकता है आपके हाथ में कुछ ना बचे या हो सकता है आपके हाथ में कुछ ज्यादा ही बच जाए यू आर ओनर समझिए इट्स लाइक बींग ए कैप्टन ऑफ द शिप ठीक है तो आपको मजे भी बहुत आएंगे और कल को शिप को अबेंडेन करना पड़े तो यू विल बी द लास्ट पर्सन यू वुड बी डूइंग इट तो ऑब्वियसली उसके डिमेरिट्स भी है बट देन उसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं एंड फॉर दैट रीजन इक्विटी अपने आप में काफी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है बट ये आपको वैल्यू लाके दे सकता है फॉर द अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स देर इज नेवर अ वैल्यू क्रिएशन बट फॉर इक्विटी ओनर यू हैव अ रेजिडुअल वैल्यू तो वो रेजिडुअल वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो आपको बहुत फायदा हो सकता है रेजिडुअल वैल्यू नहीं हुई तो फायदा नहीं हो सकता है सो इट्स एज सिंपल एज दैट बहुत सिंपल है ये बट येस दिस एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर ध्यान रखिएगा प्रायोरिटी वाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर कॉमन शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमेशा पीछे होते हैं सो एवरीबडी वुड बी पेड फर्स्ट एंड दे वुड बी पेड लास्ट

तो उसका कोई अलग से मार्केट नहीं है जहां आप वो बेच सकते हैं इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट आर मेड इन टू स्टार्टअप आज मान लो आप एक बहुत बड़े एंजल इन्वेस्टर हो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू आर बाइंग सम इक्विटी इन अ स्टार्टअप नाउ जब आप वो इक्विटी ले रहे हैं सो ऑब्वियसली दैट्स अ प्राइवेट डील आपके पास जो इक्विटी आ भी रही है दैट्स एन इन्वेस्टमेंट नोन एज प्राइवेट इक्विटी इफ यू वॉन्ट टू सेल योर स्टेक यू कैन नॉट वाई बिकॉज देर इज नो रेडी मार्केट देर इज नो मार्केट वेर यू कैन सेल अगर आपको फिर भी सेल करना है यू कैन सेल इट थ्रू प्राइवेट अग्रीमेंट्स लेकिन अदरवाइज पॉसिबल नहीं है बट प्राइवेट इक्विटी के अपने फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं जिसके बारे में हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पढ़ेंगे एनी वेज फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं प्राइवेट इक्विटी क्या है प्राइवेट इक्विटी एक ऐसी इक्विटी है विच विल नॉट बजिस्टर्ड इन द नेशनल सिक्योरिटीज रेगुलेटर एजेंसी बेसिकली एसीसी में रजिस्टर्ड नहीं होगा एंड इट के नॉट बेडेड इन द पब्लिक इक्विटी मार्केट एज वेल सो इट वेरी सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड ये पब्लिक मार्केट्स में जब चलेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली इसके लिए कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं है दीज आर नोन एज प्राइवेट इक्विटी एंड देन वी हैव प्रेफर्ड इक्विटी प्रेफर्ड इक्विटी के बारे में ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूं दिस इज जस्ट लाइक कॉमन शेयर लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है नंबर वन इनको रेजिडुअल वैल्यू नहीं मिलेगी इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही इनका शेयर बनता है सो so, अगर कल को कंपनी डूबती है तो द मैक्सिमम अमाउंट दैट दे कैन गेट इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स दे होल्ड तो जितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही आपको मिल सकता है दूसरा यहां पर डिविडेंड इनको मिलेगा ही मिलेगा सो दे विल ऑलवेज गेट अ डिविडेंड अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है दे विल गेट अ डिविडेंड सो हियर इट इज नॉट अप टू द कंपनी टू डिसाइड कि वो डिविडेंड देगी कि नहीं देगी प्रेफर्ड वालों को मिलेगा ही मिलेगा बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एन टू एनी एक्स्ट्रा वैल्यू इनको सिर्फ मिलेगा डिविडेंड नथिंग एल्स नथिंग लेस सो इससे क्या होगा दे विल नेवर एवर बी एबल टू क्रिएट वैल्यू ऑब्वियसली इस तरह का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर लगता है ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी इनके पास में इक्विटी यानी मैं बार बार इक्विटी बोल रहा हूं मेरे गलती हो रही है बोलने में कॉमन शेयर्स बोलना चाहिए मुझे बट कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स में एक बड़ा अंतर ये भी है कि इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होती सो so, जिस तरह आपने देखा कॉमन इक्विटी वाले जो होते हैं या कॉमन शेयर्स वाले जो होते हैं उनके पास में ये पावर होती है दैट दे कैन वोट एंड इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही वे प्रेफर्ड वाले नहीं कर सकते सो दे आर ओनली एंटाइटल्ड टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिविडेंड नथिंग नथिंग मोर लेस ठीक है यहां पे कोई एंटाइटल वैल्यू वगैरह भी नहीं मिलेगा इसको कई बार एक हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है बिकॉज दे दे आर हैव अ प्रायोरिटी ओवर कॉमन शेयर ना तो इसलिए इनको थोड़ा सा फीचर्स डेट जैसा दिखता है और थोड़ा फीचर इक्विटी जैसा दिखता है सो इट्स अड सिक्योरिटी दैट हैव हैिस्टिक्स ऑफ बोथ बॉन्ड एज वेल एज कॉमन इक्विटी सिंस दे हैव फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स um, तो फिर ये बॉन्ड जैसा भी है एट द सेम टाइम इन लोग को थोड़ी तो रिस्क है कल को कंपनी फेल हो जाए तो इन लोगों को बाद में पैसा मिलेगा तो थोड़ी ज़्यादा रिस्क होने वैसे थोड़े इक्विटी के फीचर्स भी है सो डेफिनेटली दे फॉल समवेयर बिटवीन बॉन्ड्स एंड इक्विटी एंड देन वी हैव अदर हाइब्रिड सिक्योरिटीज एज वेल कई तरह की और भी अदर हाइब्रिड सिक्योरिटीज हो सकती है जैसे कि कन्वर्टिबल्स कन्वर्टिबल्स इस तरह के अग्रीमेंट्स होते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आगे जा करके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं सो so, इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स so, ये इशू तो डिवेंचर्स के तौर पर होते हैं बट जब उनका मेच्योरिटी आता है मे बी आफ्टर फाइव ईयर थ्री ईयर्स ऐसा कुछ तो फिर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सो समी वो है टाइम ऑफ मेचोरिटी नॉट कैश तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कन्वर्टेबल्स ये भी हाइब्रिड सिक्योरिटीज के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं एंड फाइनली वी हैव लीज ऑब्लीगेशन एंड वाई डू वी सी लीज ऑब्लिगेशन एज एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एक अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है समझिए जरा अगर आज अगर आज मैं किसी के भी साथ ऐसा अग्रीमेंट करूं जहां पे मैं उनका एसेट यूज करूंगा मैं उनका एसेट यूज करूंगा आई विल पे थोड़ा 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 करके एंड जब पूरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा जब मैंने काफी सारा पैसा दे दिया होगा तब वो एसेट मेरे नाम पे टोटली हो पाएगा ये क्या है ये एक तरह का फाइनेंशियल लीज है सो हेयर आई एम गेटिंग अ राइट टू यूज एन एसेट फ्रॉम डे वन बट आई एम पेइंग फॉर इट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एंड यहां पर जब मैंने काफी सारी पेमेंट दे दी पूरी पेमेंट दे दी तब जाकर के मुझे ये पूरा एसेट मेरे नाम पर एकदम फाइनलाइज हो जाएगा दिस इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल लीज यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पर आप एसेट डे वन पे शायद खरीद लिए बट देर इज अ लोन अटैच टू इट आपने साथ में एक लोन भी ले लिया है सो इफ यू आर गेटिंग राइट टू यूज एन एसेट

सो हेयर आई हैव अग्रीड टू पे यू सम इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड आप मुझे अपना एसेट दे रहे हो यूज करने के लिए सो दैट फाइनेंस एक तरह से फाइनेंस भी है कि भाई गाड़ी मेरे को मिली कैसे गाड़ी मिली क्योंकि देर इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ लोन अटैच टू इट नहीं तो मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता फिफ्टी थाउजेंड रुपीज में सो so वो जो लोन है वो शायद इनविजिबल है बट येस एसेंशियली एक लोन तो है इसके साथ अटैच वही होता है अपने लिए एक हिडन लोन और वो सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है लेजी अग्रीज टू मेक अ सेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स पेमेंट जो मैंने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आपको अग्री किया है सो दैट कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स पेमेंट एंड द लीजिंग कॉन्ट्रेक्ट स्पेसिफाइज देंथ ऑफ द टाइम जब तक वो लेजी उसको यूज करेगा द लेजी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस Whether the the lessee can buy the asset at the end of the leasing period and if so, what is the price? So basically, जब period खत्म होगा तो उसके पास क्या lessee के पास option होगा कि वो उस asset को acquire कर सकता है या फिर नहीं कर सकता ये agreement में लिखा होगा और अगर ये लिखा हुआ है कि हाँ वो acquire कर सकता है तो किस price पे होगा वो भी agreement में लिखा होगा करेक्ट सो इफ यू कैन अक्वायर इट्स a फाइनेंशियल इफ यू कैन नॉट देन इट इज एन ऑपरेटिंग लीज तो बस यही होता है बट ये भी एक तरह से आपके लिए फाइनेंसिंग का ही काम करता है कम पैसा होने के बावजूद एक एसेट को यूज कर पाना दैट इज नॉट लेस देन एन एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सो यस ये भी एक तरह का फाइनेंस है सो दैट इज इट आपने काफी कुछ सीख लिया आज के फर्स्ट पार्ट में जिसमें मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में समझाया सोर्स ऑफ फाइनेंस हम पढ़ ही रहे हैं तो सोर्स ऑफ कैपिटल में हमने सीखा इंटरनली हम कई तरह से पैसे अरेंज कर सकते हैं एक्सटर्नली वी कैन अरेंज मनी थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और थ्रू कैपिटल मार्केट्स so we talked about all of that and uske sath partially learning outcome a is now over now i'll see you in the next one so next one mein hum learning outcome a ko complete karenge and dekhenge learning outcome b mein hum move kar sakte hai kya clear so that is it abhi ke liye itna hi see you in the next video tab tak ke liye bye bye take care enjoy and maze kariye ठीक है next video part अगर अभी आपकी एकदम ताकत है please watch the next video immediately चलो see you in the next one